हिसार में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि हिसार में सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसे व्यापारी, किसान व आढ़ती विरोधी अध्यादेश बता रहे हैं। इसके विरोध में किसानों ने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी के विरोध में भी रोष जताया गया। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर देश के हिसार के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारों ने मांगे नहीं मांगी तो देश के किसान एकत्रित होकर बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहां आपको बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन हिसार सहित हरियाणा व पंजाब के किसानों के द्वारा भी किया गया और विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने मांग की कि पेट्रोल डीजल के रेट घटाए जाए, बीमा प्रणाली में संशोधन किया जाए व किसानों को पर्याप्त बिजली व पानी उपलब्ध करवाए जाए। वहीं किसानों ने मांग उठाई कि सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, इन्हें कैंसिल किया जाए। बताते चले कि संयुक्त जल संघर्ष समिति सहित अन्य संगठनों ने मिलकर हिसार के कार्तिमान पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग, इफको डायरेक्टर दिलबाग सिंह हुड्डा, संयुक्त किसान संघर्ष समिति के महासचिव सतबीर सिंह सहित अन्य किसानों ने संगठनों के साथ मिलकर विरोध जाहिर किया है। इफको के डायरेक्टर दिलबाग सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर हिसार में जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। सभी किसानों ने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर रोष प्रदर्शन किया है। महासचिव सतबीर सिंह ने कहा कि किसानों ने सरकार ने 3 अध्यादेश व्यापारी, किसान, आढ़ती के विरोध में पारित किए हैं। इसके विरोध में ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी के विरोध में भी रोष जताया गया है। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नए नए फरमान जारी करके किसानों व आढ़तियों को लगातार तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, मंडी बर्बाद होने की साजिश सरकार की MHT बंद करने की योजना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा व पंजाब में अनाज मंडियां बंद है। सरकार, केंद्र सरकार, काले कानून, तेल के रेट वापिस लो, किसान नेता फैसला वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान एकता जी। आज हमारे विभिन्न संगठन किसानों के जो संगठन है वो सारे के सारे एकजुट होकर के इकट्ठे होकर के और एक जो सरकार ने, भारतीय सरकार ने और जो अधिनियम 2020 जो पास किया है, 3 अध्यादेश जो पास किए हैं, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, वो बिल्कुल किसान विरोधी है। ये उसमें सारी बातें इस प्रकार की हैं कि मंडियों खत्म कर रहे हैं, आढ़तियों खत्म कर रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है। किसान के फसल के भाव सही नहीं मिल रहे और किसान को रेट से ही नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य से भी नीचे, दो हज़ार रुपये कम पे फसल खरीदी जा रही हैं। तो इस प्रकार का ये आंदोलन एक किस्म का अभी तो छोटा ही रूप है इसका, आज का तो एक सांकेतिक धरना है लगा लो। ये हमें फुहारा चौक से लेकर के सेक्रेटेरिएट तक ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगा करके और शांतिपूर्वक तरीके से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी अपने पालना करते हुए हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ जा करके हमें प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना है उपायुक्त मोदिया को और वहाँ जाके हमारे जो नेता हैं वो संबोधित भी करेंगे। और ये इस तरह से गलत नीतियाँ करते रहे, किसान विरोधी फैसले लेते रहे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेटों के अंदर बड़ा भारी विरोध है। हम इस अधिनियम जो 2020 किया गया इसका हम बिल्कुल से इसका विरोध करते हैं। वापिस लिया जाए, डीजल के जो बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं वो वापिस लिए जाएँ, बिजली पानी का कोई प्रबंध नहीं है, खेत सूखे पड़े हैं और जो बीमा योजना चलाई है, बीमा योजना में भी इन्होंने क्या किया है, पहले जो 580 रुपये का था एक एकड़ का, अब एक हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये कर दिया, तो किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सारे किसान विरोधी फैसले ले रही है सरकार, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। यह अध्यादेश भी वापिस लिया जाए, डीजल का रेट जो है वो भी वापिस लिए जाएँ और जो किसानों का समर्थन मूल्य है से जो कम खरीद की जाए उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराए जाएँ, तब जाए कोई बात बनेगी। ऐसे अध्यादेश ला रहे हैं ये कि ऊपर से कह रहे मंडी खत्म कर देंगे, अरे आढ़ती खत्म कर देंगे, तो किसान है वो कहाँ बेचेगा अपनी फसल, कहाँ कहाँ लेके जाएगा? ये कह तो रहे हैं कि एक देश एक मार्केट, अरे कहाँ जाएगा
अपने जो किसान है, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, वो क्या करेंगे? स्टोर की जो इन्होंने ये कहा कि स्टोर की कोई वो बढ़ा दी, कितने कर सका स्टोर किसी भी चीज़ का? अगर ये स्टोर कर लेंगे तो फिर सस्ते दामों पर खरीद करके और महंगे दामों पर बाद में बेचेंगे, तो ये छोटे किसान गरीब आदमी जो लघु उद्योग वाले हैं वो स्टॉक थोड़ी कर सके इस प्रकार का। तो सारे के सारे फैसले ले रखे हैं, ये किसान विरोधी हैं, हम बिल्कुल इसकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं, ये सारे के सारे वापस लिए जाएं। हमारी मुख्य मांगें जो 3 अध्यादेश अभी अभी सरकार ने किसान विरोधी, आढ़ती विरोधी, व्यापारी विरोधी जो फैसले लिए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। और जो आगे की रणनीति है, इसके साथ साथ जो बेहिंता तेल के दाम हैं, फसल बीमा के दाम हैं, पानी बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, तो इसके सब के विरोध में हरियाणा और पंजाब के अंदर सभी किसान संगठन एकत्रित होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन देंगे। रही बात आगे की रणनीति, यदि सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन किसान विरोधी जो भी अध्यादेश है इनको वापस नहीं किया, तेल के रेट कम नहीं किए, बीमा की जो सीमा बढ़ाई है, जो कीमत बढ़ाई है उसको वापस लें, अगर ये नहीं लिया गया तो सभी के सभी किसान एक मंच के ऊपर आकर के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जबकि हम नहीं चाहते कि इस कोरोना की महामारी के अंदर कोई ऐसा स्टेप लिया जाए, लेकिन ये मजबूर होकर के सभी किसानों को ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा नए नए फरमान जारी करके किसानों को, आढ़तियों को नजायज तंग करने में तुली हुई है। आज किसानों को फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे और नए फरमान के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है, मंडी के अंदर तो मार्केट फीस लगेगी अनाज के ऊपर, मंडी के बाहर अनाज बेचने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। इससे तो किसान के फसल के दाम नहीं मिलेंगे। जब तक खुली बोली के अंदर मंडी में किसान की फसल नहीं बिकेगी तब तक किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिल सकते। ये एक मंडी को बर्बाद करने की साजिश है, सरकार की एक साजिश और है। MSP के ऊपर जो अनाज खरीद होता है, इस साजिश के तहत MSP खत्म करने की एक योजना है। प्रथम चरण में मंडी बंद करना, सेकंड चरण के अंदर ये MSP खत्म करना, ये सरकार की पॉलिसी है। इसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आज प्रथम चरण के ऊपर हरियाणा में पंजाब दोनों स्टेट के अंदर पूरी अनाज मंडियां बंद है, किसान आंदोलन के साथ है। किसान आंदोलन जो भी फैसला लेगा, किसान संगठन जो भी फैसला लेगा, व्यापार मंडल खुला समर्थन हमारा इनके साथ है और खुला रहेगा। अगर हमें अनिश्चित काल मंडी बंद करनी पड़ी तो अनिश्चित काल मंडी भी बंद करेंगे और सड़कों पे आना पड़ा किसान संगठनों के साथ मिलकर व्यापारी सड़कों पे भी आएगा, धरने प्रदर्शन भी करेगा। नए नए जो 3 फरमान जारी किए हैं इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। लागू किया तो जोरदार आंदोलन हरियाणा पंजाब ही नहीं पूरे देश के अंदर होगा। जब एक केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था GST लागू करने से पहले, ये घोषणा की थी एक देश एक टैक्स होगा। GST लगाने के बाद हम किसी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाएंगे। जब GST के तहत अनाप शनाप टैक्स लगा दिए, जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगा दिया, जिन वस्तुओं में 5% टैक्स था उन पर 18% टैक्स लगा दिया, उसके बाद मार्केट फीस किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने वादे के अनुसार मार्केट फीस को तुरंत प्रभाव से समाप्त करनी चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.